हाय रे, ये गर्मी, अगर ऐसा ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत पीने को मिल जाए तो क्या बात। चलो तो आज बनाते ये अंग्रेज़ी शरबत, जिसे कॉकटेल कहते हैं, लेकिन देसी तड़के के साथ। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे तरबूज, जिसे हमारे यहाँ कलिंगड़ भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कहा जाए तो वाटरमेलन। आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारे तरबूज मिल रहे हैं जिसमें कलर का यूज़ किया जाता है, तो आप जब भी तरबूज खरीदें तो इसमें एक टेस्ट करें। आप क्या करें कि जब भी वो काट के दिखाए तो आप क्या करें, एक रुई की गोली ले लो और उसमें आप टैप करके देख लो, मतलब लगा के देख लो। अगर उस रुई के गोली पे अगर कलर लगता है तो मतलब है कि उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया हुआ है, तो ऐसा तरबूज आप नहीं लें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तरबूज को काट लिया और यहाँ पे मैं एक बड़ा सा लेमन ले रही हूँ, नींबू, जिसे मैं आधा यूज़ करूँगी। तो इस आधे नींबू का जूस मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये जूस निकालने वाली मशीन बढ़िया सी मिल गई थी मार्केट में, जो कि बहुत ही सस्ती मिली, और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये स्क्वीज़ हो रहा है। अभी आप इस तरह से इसे दबा के निकालें या ऐसे घुमा के, इसमें से बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा जूस निकल आता है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बीज भी साइड में रह जा रहे हैं। चलो तो इसे मैं निकाल लेती हूँ प्याले में और रख देती हूँ साइड में। वैसे तो आप होटल में देखते हो कि ये शरबत एकदम बड़े बड़े ग्लास में बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास यही ग्लास है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ग्लास में डाल रही हूँ एक दो छोटे टुकड़े नींबू के, फिर ऐड कर दे रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते, और अब मैं इसमें देने जा रही हूँ देसी तड़का। मैं इसमें साधारण नमक नहीं मिला रही हूँ, यहाँ पे मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे इस शरबत का स्वाद और भी बढ़ेगा। आप चाहे तो साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काला नमक मिलाने से इस शरबत का स्वाद दोगुना और बढ़ जाएगा। फिर ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। आप चीनी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी तरबूज काफ़ी मीठे आ रहे हैं, तो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें। फिर ऐड कर दे रही हूँ छोटे छोटे तरबूज के टुकड़े। ऐड करेंगे नींबू का जूस, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें इसमें, और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अंग्रेज़ी में इसे मडलिंग कहते हैं। अपने घर में जो छोटी सी मतनी होती है ना, उसकी सहायता से इसे ऐसे प्रेस करके इसका सारा जूस निकाल सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से इसे दबा दबा के हम सारा जूस निकाल लेंगे, और अगर इसमें छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाए तो कोई बात नहीं, ये पीते वक्त जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी हम डाल देंगे इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कैसे करते हो, इसमें टुकड़े डालें या खींच के डालें। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 7 अप। आप चाहे तो इसमें सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 7 अप से जो स्वाद आता है ना दोस्तों, आहा, क्या बताऊं कि आप जैसे ये शरबत पियोगे तो आप याद करोगे। आप देख सकते हो, लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग। अभी इन सब चीज़ों का हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये ठंडा ठंडा कुल कुल शरबत बन के बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसे तरबूज का जूस कह लें या कॉकटेल कह लें, अभी फ़िलहाल तो ये मोजीतो के नाम से बहुत फेमस हो रहा है। मोजीतो या मोहीतो, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये पीने में एकदम लाजवाब लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये शरबत कैसे लगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रखिए और ये ठंडा ठंडा शरबत पी के गर्मी को दूर भगाइए। बाय बाय।